लेकिन अगर ऐसा सच में हो गया तो खेल रचा किस्मत ने कुछ तो थक चुका हूँ फिर भी नींद नहीं आ रही यार क्या हो गया है यार किस्मत ने क्या हो क्या मुझे तो मेल वो फिर हो के रहना है जो तुमने मेरे लिए किया मेरे परिवार के लिए किया है रवि उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी और इसीलिए आज मैं तुमसे वादा करती हूँ अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी भी तुम्हें एक सच्चे दोस्त की जरूरत हो तुम किसी मुश्किल में हो मुझे जरूर याद करना मैं हर हाल में हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी हमेशा साथ दूंगी तुम्हारा जावा खुदा सदके तेरे सदके तेरे सदके तेरे सदके तेरे इस वक्त में इस फ्लड लड़के के साथ दोस्ती की शुरुआत Friends. Friends. Life में अगर तुम्हें मेरी कभी जरूरत पड़े या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे बताना I'm always there for you. Sorry. चार्जर भी किसी काम का नहीं है अच्छा तूने मेरा चार्जर बिगाड़ दिया मैंने नहीं बिगाड़ा तू रहने दे ओहो कुछ भी होता है मेरे पे काम लगाती है ओहो दी क्या बात है खुलिया को से शादी के सपने देख रहे हो बिल्कुल नहीं और तुम दोनों सोए नहीं अभी तक क्या कर रही है आज का दिन ही कितना एक्साइटिंग था मैंने तो सारे फंक्शंस बहुत एंजॉय किए बस सिवाय एक बात की क्या ये साक्षी की वजह से मैंने क्या किया मैं रवि के साथ डांस करना चाहती थी पर इसने मुझे जाने नहीं दिया बहुत जेलस है ये अरे हाय देवी जी बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में मैंने नोटिस किया बड़ी स्माइल में शेयर हो रही है नहीं झूठ मत बोल बता अरे नहीं साक्षी सच में मतलब पहले तो तुझे लगा कि वो तेरा जीजू है और जब तुझे ये पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है तो खुद ही उसे पसंद कर लिया अरे मेरे पसंद करने ना करने से क्या होता है वहां तो कितनी सारी लड़कियां थी जो उस पे लाइन मार रही थी पर वो तो वहाँ होके भी आउट ऑफ रीच था क्योंकि वो हमारी प्यारी देविका दी को जो देख रहा था हाँ दी वो तो मैंने भी नोटिस किया साक्षी आई माँ ये कर ली सब हाँ साक्षी तू ना अंधेरे में तीर मत चलाए कर ऐसा कुछ भी नहीं है वो मेरा अच्छा दोस्त है इनफैक्ट उसने मेरी सगाई के बाद मुझे बहुत अच्छे से विश किया हाँ हाँ तो सच्चे चाहने वाले तो ऐसे ही होते हैं ना साक्षी तू मानेगी नहीं अच्छा ओके माना कि वो तेरा सिर्फ एक बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन उसके दिल में तेरे लिए बहुत खास जगह है साक्षी तुझे स्टूपिड बातें करनी है ना तो किसी और से जाकर कर मुझसे मत कर और सुन देख ये बहुत सीरियस बात है ये सब बकवास जो तेरी है ना मेरे सामने कर ली किसी और से मत कहना मेरी आज ही साकेत जी से सगाई हुई है और बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी साक्षी मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं अरे मजाक नहीं है डार्लिंग मैं सीरियसली डांस करते वक्त उसी को देख रही थी वो तो तुझे देखे ही जा रहा था और सच बताओ वो तेरी बहुत केयर करता है वो इसलिए क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान है इसीलिए वो केयर करता है मेरी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इसके अलावा कुछ नहीं मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती मेरे लिए मेरे परिवार की इज्जत बहुत मायने रखती है ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे अपनों का नाम खराब हो कभी भी नहीं इस बार भी गलती हमारी थी और तुम अचानक हम सबके सामने आके खड़े हो गए अंगूठी तो खरीदनी थी पर हमारे पास पैसे नहीं थे और तुमने अपने अंगूठी हमारे हाथों में थमा दी सच में तुम्हारे बहुत उपकार है हम पर अभी देख तो अभी भी उसी के बारे में सोच रही है ना रवि का नाम लेते ही तेरी सारी यादें ताजा हो गई
मैं कह रही हूँ साक्षी, मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, फिर से नहीं बोलूंगी। अब जा यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ऑफिस जाना है कल, फिर रवि से मिलना होगा, इसीलिए तो फ्रेश फ्रेश दिखना है ना। साक्षी तू ना बिल्कुल पागल हो गई, रवि रवि रवि, अरे हद हो गई है। देख तुझे उसके बारे में जितना सोचना है सोच, जो करना है कर, मुझे इन सब चीजों से दूर रख, तो जा यहाँ से। अच्छा तो मेरा फोन तो लेने का, ये ले अपना फोन, चल भाग भाग भाग, जा यहाँ से। पागल कुछ भी बोलती है। ओ भाई खिड़की पे खड़े खड़े सितारे गिन रहे क्या? चल सो जा, ऑफिस नहीं जाना कल, बहुत देर हो चुकी है। बनारसी राशन वाले के बकाया अभी तो 10,000, वो लिख पुत्र। 2,500 रुपए उसके भी देने हैं ना फूल वाले के। अब चाय पीजिए। लाडू सुबह सुबह अगर तू इतनी सारी सेवा करेगी हम सबकी, तो कुछ ही दिनों के बाद तो तू ससुराल चली जाएगी। सच्ची हम तुझे बहुत मिस करेंगे। हाँ अब मिस से मिसेज होने वाली है तो डबल मिस तो करना ही है। करेक्ट, ये तो होना ही था। साक्षी पर मुझे तो ना इस बात की फिक्र हो रही है कि इसके चले जाने के बाद ना तेरा काम बढ़ जाना है, और खासकर रसोई में तो तुझे अकेली कोई सारे काम करने पड़ने हैं। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आज से सारा काम ये साक्षी करेगी। मैं क्यों? ये वो ना बाबा ना, इसे ना भी है ना कभी रसोई में, वो इसका क्या भरोसा है? वो चाय में चीनी की जगह ना नमक डाल देना है इसने। बीजी आप बिल्कुल फिक्र मत करो चुटकी, तेरे ससुराल जाने से पहले तू इसको सारी किचन की ट्रेनिंग देगी, आज से ही शुरू करेगी। दादी मैं आपको एक बात बताना भूल गई, वो नमक चीनी वाली बात से याद आया, किचन में ना एक चूहे मारने की दवा रखी है किसी प्लास्टिक के डब्बे में, रेड ढक्कन लाल ढक्कन वाले डब्बे में रखी है, और वो भी सफेद रंग की है, और नमक चीनी मैदा वो भी सब ऐसे ही डब्बों में रखी हुई है लाल ढक्कन वाली, और वो भी सब सफेद रंग की है। तो मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन सा नमक, कौन सा चीनी, कौन सा मैदा, कौन सा जहर। और रेखा वो ये लड़की कभी नहीं जाएगी रसोई में, ये बात याद रख ले, वो इसने तो सारे डब्बर को ना मार देना है एक दिन। बीजी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, इसे तो आदत है मजाक करने की। अरे बातों में तो मजाक कर सकती हूँ दादी, लेकिन ये मेरे दिमाग में जो कंफ्यूजन का धुआं उठ रहा है उसका क्या? और मैंने कह दिया ना ये लड़की रसोई में पैर नहीं रखेगी तो नहीं रखेगी, बस बात खत्म होती है। बीजी इसकी बातों में नहीं, रुक जा बीजी। भाई रवि उठ। ओ या भैया। भाई एक बात बता, रात को सोने से पहले किसी के बारे में सोच रहा था क्या तू? यार सुबह सुबह ऐसे अजीब से सवाल क्यों पूछ रहे हो आप यार? वो इसलिए कि जब मैं तुझे जगाने के लिए आया तो मैंने देखा कि मेरे प्यारे से छोटे से भाई के चेहरे पे इतनी लंबी चौड़ी मुस्कुराहट थी। चल भाई अब बता किसके बारे में सोच रहा था तू? सब छोड़ो भैया, ये बताओ सुबह सुबह आपने जगाया क्यों यार? अच्छा जी तू मेरी बात को पलट रहा है ना? खैर भाई हमें देविका के घर जाना है। देविका के घर? हाँ। पर वो क्यों? वो इसलिए भाई क्योंकि भाई सुबह जल्दी जाकर टेंट की सारी डेकोरेशन हटानी है, वरना ये टेंट वाले आज का रेंट भी जोड़ देंगे, डबल खर्चा हो जाएगा यार। पर भैया मैंने आपसे कहा था ना कि कल ही पैकअप करके एक ही बार निकलो, आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? भाई मैं क्या करता, मैंने पूरी कोशिश करी थी वर्कर्स को समझाने की, मगर वो कहने लगे कि भी इतनी देर रात हम लोग काम नहीं कर सकते। पर भैया मेरा ऑफिस में तो है ना, अगर मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया तो मैं तुझे मना थोड़ी ना कर रहा हूँ कि तू ऑफिस मत जा, ये वाला काम निपटा ले उसके बाद अपने ऑफिस चला जाइए। और तुझे याद है कि तूने मुझे बोला था कि तेरे वो जो नए बॉस आए हैं, क्या नाम है उनका, हाँ वो अमित जी, वो लंदन जाने वाले हैं, और तेरे ऊपर काम का इतना प्रेशर भी नहीं रहेगा। और दूसरी बात भाई ये है कि वहाँ पे वो बुढ़िया कुसट सावित्री भी होगी यार, मैं उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता, प्लीज चलना भाई। ये मेरा ऑफिस उसका क्या? अच्छा जी भाई मेरे लिए नहीं तो कम से कम तेरी वो दोस्त देविका के लिए ही सही। भाई देख मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, अगर वहाँ से आज सामान नहीं हटाना तो उसके शादी के बिल में ये सारा खर्चा जुड़ जाएगा, फिर मुझे मत बोलना कि मैं तुझे बोला नहीं। अगर ये बात है तो फिर मैं आपके साथ चलता हूँ। ओ भाई के लिए नहीं चल सकता, मगर उसके लिए चल सकता है तू, है ना?